परफ्यूम के खाली डब्बे से बनाइए खूबसूरत पेन स्टैंड। वेलकम टू अपना क्राफ्ट, योर ओन क्राफ्ट। फ्रेंड्स, पेन स्टैंड बनाने के लिए मैंने इस खाली परफ्यूम के बॉक्स को यूज किया है। इस बॉक्स की थिकनेस पेन स्टैंड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले फेविकॉल में पानी मिलाकर पूरे बॉक्स को टिश्यू पेपर चिपकाकर कवर कर लेंगे। बहुत हल्के हाथों से इस तरीके से इसे चिपकाते रहना है। अगर बीच में ये सिलवट आ रही है तो बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर क्रिएट होगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने पूरा बॉक्स कवर कर देना है, साइड से भी और नीचे से भी। अब इसके दूसरे पार्ट को भी कुछ इसी तरीके से कवर करना है। आप देखिएगा, सूखने के बाद इस पर एक अच्छा सा वॉल टेक्सचर आ जाएगा। अब शिल्पकार के दोनों कंपाउंड्स को मिक्स करके ये डो तैयार करना है और इसके सबसे टॉप मोस्ट लेयर को अच्छे से स्मूथली कवर करना है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा फेविकॉल लगाकर उसके ऊपर शिल्पकार की लेयर कर रही हूँ। अब ये छोटे छोटे पीसेस स्टोन का लुक देने के लिए, जी हाँ, जैसे पुराने फेरी हाउस का वॉल होता था उसी तरीके से, और ये पतली वाइंस जैसे पुरानी फेरी हाउस में बेले निकल आती हैं, वही लुक मैं देना चाहती हूँ। ये इस तरीके से स्टोन्स के बीच बीच में आप लगा सकते हैं। अपने आइडिया से आप डिजाइन कवर कीजिए। ये लीव्स का पैटर्न आपने बहुत स्मूथली हल्के हाथों से छोटे छोटे लीव्स बनाने हैं और उनको कॉर्नर से स्मूथ करना है। लीव्स लगाते वक्त आप ध्यान रखेंगे लीव्स थोड़े से उठे हुए हों, बिल्कुल चिपके हुए ना हो, जिससे इनका थोड़ा सा नेचुरल लुक आ जाता है। अपने हिसाब से आप अलग अलग जगह पर लीव्स लगा सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप बॉक्स का दूसरा हिस्सा भी तैयार करेंगे। पहले स्टोन्स, फिर वाइन्स और उसके ऊपर छोटी लीव्स। ये देखिए, बॉक्स की एक साइड को चिपकाने के लिए खाली छोड़ना है। नाउ टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, मैं इसमें छोटे छोटे फ्रूट्स लगा रही हूँ। फेविकॉल लगाकर इन दोनों हिस्सों को बहुत अच्छे से पेस्ट करना है और सूखने तक वेट करना है। नाउ इट्स टाइम फॉर कलर्स। बेस के लिए मैंने पूरे बॉक्स पे व्हाइट कलर किया है। उसके बाद मैं लाइट येलो का शेड दे रही हूँ एंड देन इसको मैं थोड़ा सा ओल्ड फेरी हाउस का लुक दे रही हूँ, इसीलिए लिटिल ब्राउन। ये देखिए, इस तरीके से इसमें शेडिंग्स देनी है। और अब मैं इनके जो जॉइंट्स हैं उनको थोड़ा डार्क शेड दूंगी और ये बीच में मैंने हल्का हल्का डार्क ब्राउन दे दिया है। नाउ वाइन्स विद द डार्क ग्रीन कलर एंड लीव्स विद लिटिल लाइट ग्रीन कलर। नाउ टाइम फॉर क्यूट लिटिल फ्रूट्स। ये देखिए, रेड कलर के फ्रूट्स आते ही ये कितना अट्रैक्टिव लगने लगा। सी, माय पेन स्टैंड इज रेडी। दोस्तों, आप ऐसे ही क्राफ्ट बनाते रहिए और मुझे जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा।